गुरमीत कौर। कितने साल हो आप यहाँ पे? 32 साल हो गए मुझे। अच्छा इसी पार्क में? हाँ जी, हॉर्टिकल्चर में पार्क नहीं करते हैं, खाली का काम है हमारा जी। हमें हमारी कमाई से ही हमारा परिवार पला है, हमारी 5-6 बेटियाँ हैं, बेटा है सबसे छोटा। आप यही दिल्ली के हैं? हाँ दिल्ली के हैं, 84 में हमारे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, 86 में हमने ये एडीएमसी की नौकरी की। तो आप ही पूरा घर चलाते हैं? हाँ। तो कितने मतलब ये अब जो आप काम कर रहे हैं आप सेटिस्फाइड हैं, खुशी मिलती है आपके काम करके? अब खुशी तो होगी ना, परिवार पाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, 8 घंटे की ड्यूटी है ना, बारिश में ठंड में गर्मी में बाहर ही रहते हैं हम लोग, तो पेड़ों की छाया मिल गई तो ठीक है, नहीं तो धूप में काम करते हैं। और आपकी कोई ऐसी स्टोरी रही है जो आप शेयर करना चाहेंगे? क्या मैंने बता दिया, 84 में दंगों में हमारे हस्बैंड मारे गए थे, हमारा सब कुछ टूट गया था और कुछ नहीं था, इससे बड़ी तो कोई हमारी स्टोरी हो ही नहीं सकती हमारे जीवन में। तो हमें परिवार पालना है, दुख है तकलीफ है सब इसी से ही करते हैं, जो भी हमारा हो रहा है परिवार भी इससे पलता है। हमारे सास ससुर की डेथ हो गई, मम्मी पापा की डेथ हो गई, सब हम अपनी इसी कमाई में कर रहे हैं, जैसे तैसे दुखा सुखा खा के बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ा के अगले साल हम रिटायर हो जाएंगे। आप समाज के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज यही देना चाहूँगी कि आप भरोसा रखिए उस पर, अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी ना, तो हमारे पास मकान था ना, हमारे पास एक चम्मच भी नहीं छोड़ा था लोगों ने, सब हमारा आदमी को मार दिया, एक घर में 8 आदमी मारे थे और सारा कुछ लूट के ले गए। हमें तो चप्पल भी नहीं थी पैर, सिर पे चुन्नी भी नहीं थी हमारे, हमने ऐसा ऐसा दिन देखा है, पर ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे।